से अभी आई हूँ इधर, और मुझे ये सब कुछ सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है कि हजिस्ता तो बिल्कुल शक्ल से ऐसी नहीं लगती थी। शक्ल से किसी का क्या पता चलता है। खैर तुम एक काम करो, हादी और शहरयार वहां हैं, तुम उनके साथ ही वापस आ जाओ। आंटी प्लीज आप एक काम कर दें, आप अंकल से कहें कि वो वार्डन से बात करें, क्योंकि वो मुझे तभी यहाँ से निकलने देंगे, वरना वार्डन इस वक्त बहुत गुस्से में है, वो सब आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। हाँ हाँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं शहरयार से बात कर लूंगी, वार्डन से भी बात कर लूंगी, बस तुम अपना सामान पैक करो और वहां से निकलो बेटा। ओके। नींद आ रही है आपको? शहर है, इंसान हूं, 24 घंटों की ड्यूटी देखकर आई हूं, थक गई हूं, आगे आके ये सारी मुसीबत। बैक से टेक लगा ले। टेक लगाने से क्या होगा? अच्छा खासा मैं जा रही थी, आप लोगों ने रोक लिया मुझे। I'm sorry, खजस्त, लेकिन फरार होना मामलात को सुधारता नहीं, वक्ती तौर पर ओझली करता। मंजिल पर रहकर भी क्या हासिल हुआ? रोज नए तमाशे। इस वक्त आप अपने रूम में जाएं, और हां मेरी बात ध्यान से सुने, कॉन्वोकेशन तक ना कोई तुम्हारे रूम में आएगा और ना तुम किसी के रूम में दिखाई दोगी, समझी? नजर बंद कर रहे हैं आप मुझे। मेरा एहसान बन कि मैं तुम्हें हॉस्टल में नजर बंद कर रही हूं, सलाखों के पीछे नहीं। तो फिर आप मेरे ऊपर ये एहसान ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं इस एहसान के बोझ तले जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैडम आपको सर शहरयार बुला रहे हैं। आप थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर। जो कुछ यहाँ देखा मैंने, बहुत अफसोस हुआ मुझे सच में। तुम तो अपने इलाके की नुमाइंदगी करने आई थी ना यहाँ पर, ऐसी नुमाइंदगी कर रही हूँ। इसका जवाब मैं बहुत जल्द दूंगी।
चले।